शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ राइटर और हिदायतकार खलील उर रहमान कमर ने कहा कि अगवा के वाकये के बाद अहलिया ने दुख भरी आवाज में कहा था, मुल्क छोड़ दो। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार खलील उर रहमान कमर ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की और अपने अगवा के वाकये से मुतालिक इजहार ख्याल किया। इन्होंने कहा कि मेरी अहलिया मजबूत खातून है, लेकिन अगवा के वाकये पर इनको भी दुख हुआ। अहलिया ने दुख भरी आवाज में कहा कि ये मुल्क छोड़ दो। खलील उर रहमान कमर ने माजी का वाकया बयान करते हुए कहा कि मुझे याद है कि एक बड़े ही पावरफुल शख्स ने 4 घंटे की मुलाकात में मुझे समझाया था कि मुर्शिद 2-3 सालों के लिए ये मुल्क छोड़ते हैं, लेकिन मेरा इश्क मेरी इस मिट्टी से है, मैं मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वाज़ह रहे कि चंद रोज कबल ये खबर सामने आई थी कि खातून की सरबराही में गैंग ने हिदायतकार खलील उर रहमान कमर को ड्रामा बनाने के बहाने बुलाकर अगवा कर लिया था। अगवाकारों ने खलील उर रहमान कमर को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया था और इनसे नकदी रकम और सामान भी लूट लिया था। खलील उर रहमान कमर को अगवा किए जाने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इनके अगवा में मुलव्वस मरकजी मुलजिमा आमना उरूद समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया था।